एकदम चमका दिया स्टाफ ने, क्या शाइनिंग मार रहा है। ओ भाई साहब, यहाँ पर रिवर तो देखने को ही नहीं मिल रही, एकदम सूखा पड़ा हुआ है। ट्रेन नंबर 22665 चेन्नई बेंगलोर डबल डेकर एक्सप्रेस, जो कि तमिलनाडु की चेन्नई को कर्नाटका के बेंगलोर से कनेक्ट करती है, और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 360 किलोमीटर कवर करती है 5 घंटे 45 मिनट के समय में, और पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 62 किलोमीटर पर आवर की। और आज इस डबल डेकर एक्सप्रेस में हम लोग चेन्नई से बेंगलोर ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। अभी देख लो, सुबह का बज रहा है 7:08 और अपनी डबल डेकर एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर ऑलरेडी लगी हुई है। काफी आगे की साइड आ गए हैं लोकोमोटिव से, जस्ट 2 कोच पहले ही है आज का अपना कोच, जिसमें हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं C2। अपने एकदम निर्धारित समय सुबह के 7:25 पर अपना डिपार्चर हो चुका है चेन्नई सेंट्रल से। और ये लो, जर्नी की स्टार्टिंग में आपको दिखा देते हैं, अपनी ट्रेन में आज लगा हुआ है अपना LUI WAP 7 लोकोमोटिव। एकदम आगे की साइड ही है हम लोग। अपने निर्धारित समय से हम लोग निकल चुके हैं चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। आपको इस डबल डेकर एक्सप्रेस का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली चलती है सुबह 7:25 पर निकलती है चेन्नई सेंट्रल से, और दोपहर में 1:10 पर पहुंचा देती है बेंगलुरु। तो पीछे की साइड जो आप ट्रेन देख रहे हो ना, आ रही है WAP 7 लोकोमोटिव के साथ, ये है अपनी विजयवाड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस। इसका और अपनी डबल डेकर एक्सप्रेस का सेम टाइम है चेन्नई सेंट्रल से डिपार्ट होने का। लग रहा था कि भाई साहब एक छोटी मोटी रेस देखने को मिल जाएगी चेन्नई से डिपार्ट होते ही, लेकिन अब पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि अपनी जो ये जनशताब्दी है ना विजयवाड़ा वाली, एकदम स्लो आ रही है, एकदम स्लो आ रही है। अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी ये देखो बैसिन ब्रिज जंक्शन आ गया, यहाँ से दोनों रूट अलग हो जाते हैं। अभी हम लोग बढ़ जाएंगे बेंगलोर वाले रूट पे और ये निकल जाएगी विजयवाड़ा वाले रूट पे, तो यहाँ से तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। वो देखो वहाँ पर काफ़ी दूर एक ऑरेंज कलर की वंदे भारत एक्सप्रेस लगी हुई है, पता नहीं ये नई लॉन्च होनी है, नया रेक है, या फिर हमें तो लग रहा है नया ही रेक है, एकदम ब्रांड न्यू रेक लग रहा है। वो देखो वो खड़ी हुई है नई ऑरेंज वंदे भारत, ये लो वहाँ से वाला रूट चला गया विजयवाड़ा के लिए, और हम लोग पड़ गए बेंगलोर वाले रूट पर। तो अपर डेक से देख लो भाई साहब ट्रेन की क्रॉसिंग किस तरीके की दिखती है, काफ़ी ऊपर से दिखती है ट्रेन निकलती हुई, अपर डेक का व्यू है ये। तो अभी आके बैठ चुके हैं हम अपने कोच में अपनी सीट पर, तो सीट है आज की हमारी अपर डेक में 106 नंबर। अभी इंटीरियर वगैरह हम आपको थोड़ा सा और दिखाएंगे आगे जर्नी में, अपर डेक लोअर डेक किस तरीके का है। जब आपका टिकट होता है ना तो उसमें लिखा रहता है, जैसे ये हमारा C2 में 106 नंबर है तो C2U लिखा होगा और 106 सीट नंबर इस तरीके का लिख के आता है आपके टिकट में, तो वही अपर डेक लोअर, अगर लोअर रहता है तो वो C2L लिख के आएगा। ये है डिफरेंस अपर और लोअर डेक में। आगे आपको सीट वगैरह दिखा देते हैं किस तरीके की है। तो ये देखो नॉर्मल एसी चेयर कार में ऐसी होती है, यहाँ पर एक लीवर दिया हुआ है, यहाँ पर हम खींचेंगे तो आपको दिखाते हैं रिक्लाइन कितना हो जाती है सीट। इतनी रिक्लाइन हो जाती है, मतलब रिक्लाइन तो इसका ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेग रूम देखो, ये वाटर बॉटल होल्डर है, ये पैर घल रहा है पूरा। इधर करते हैं तब तो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर पैर लग रहा है इसमें। बाकी ये मैगजीन सॉकेट है, फट गया है पूरा, ये स्नैक्स ट्रे हो गई, ये है यहाँ पर ब्लाइंड रोलर है, साथ में चार्जिंग सॉकेट और ऊपर की साइड में लगेज स्पेस। बस थोड़ा सा ये कंजेस्टेड है, बाकी तो सही है सीट्स। अभी देखो एक वंदे भारत का रेक पहले दिखाया था, एक और रेक यहाँ भी खड़ा हुआ था वंदे भारत एक्सप्रेस का ऑरेंज वाला।
अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तमिलनाडु के अरागोनम जंक्शन रेलवे स्टेशन। अरागोनम की बात करें तो ये अपने नवल ट्रेनिंग सेंटर के लिए जाना जाता है, जो कि एशिया का सेकंड बिगेस्ट है। और बात करें अरागोनम जंक्शन की तो यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स अगर मिलती है, एक तो आती है चेन्नई से, एक बैंगलोर से और एक मुंबई से, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हो जाता है। और लगभग सभी ट्रेन्स का यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट रहता है, बट कुछ प्रीमियम ट्रेन्स का तो हॉल्ट नहीं रहता, जैसे शताब्दी हो गई या फिर वंदे भारत ट्रेन्स, इन सब का यहाँ पर हॉल्ट ही रहता है। और अपनी डबल डेकर एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पर मात्र 2 मिनट का स्टॉप है, मात्र 2 मिनट का स्टॉप था, 2 मिनट ही रुकी अपनी ट्रेन। हम लोग निकल रहे हैं अरागोनम जंक्शन से। पैरेलल चल रहा है लोकल ट्रेन के साथ। साफ़ सफाई का भाई साहब इस ट्रेन में बहुत अच्छे से ध्यान दिया हुआ है, अभी गार्बेज वगैरह कलेक्ट किया OBHS स्टाफ ने, और अभी देखो साफ़ सफाई चल रही है, जबकि ट्रेन को चले हुए अभी कितनी देर हुआ है, लगभग 1.5 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है, और साफ़ सफाई मेंटेनेंस लगातार की जा रही है। ये देखो भाई साहब फर्श एकदम चमका दिया है स्टाफ ने, क्या शाइनिंग मार रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल की यहाँ पर साफ़ सफाई मेंटेनेंस देखने को मिल रही है। देखो कैसी शाइनिंग मार रहा है पूरा फर्श। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं पोन्ने रिवर, और भाई साहब यहाँ पर रिवर तो देखने को ही नहीं मिल रही, एकदम सूखा पड़ा हुआ है, आए थे कैप्चर करने रिवर वगैरह होगी, एकदम सूखा पड़ा है, रिवर तो गायब ही है यहाँ से। चलो भाई साहब इंटीरियर दिखा देते हैं हम आपको इस डबल डेकर एक्सप्रेस का, तो एंटर होते ही देखो बढ़िया यहाँ पर पेंटिंग वगैरह है, चलते हैं थोड़ा सा अंदर को, तो सामने आपको ऊपर जाने पर मिलेगा अपर डेक इस डबल डेकर एक्सप्रेस का, ऊपर लगेज स्पेस वगैरह है और 3x2 का सिटिंग अरेंजमेंट, और नीचे मिलेगा आपको इसका लोअर डेक, सीढ़ियाँ दी हुई हैं, ये रहा अपना लोअर डेक, यहाँ पर भी 3x2 का सिटिंग अरेंजमेंट है और ऊपर की साइड में लगेज स्पेस दिया हुआ है। एक 136 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 2 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तमिलनाडु के काटपाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। काटपाड़ी जंक्शन की बात करें तो यहां पर काफ़ी सारी लाइन्स अगर मिलती है, एक तो आती है अपनी चेन्नई से, एक आती है बेंगलोर से, एक लाइन आती है यहां पर गुडूर से, और एक लाइन यहां से अलग हो जाती है विल्लुपुरम के लिए। बाकी ये जो रेलवे स्टेशन है साउदर्न रेलवे का 8th highest अर्निंग रेलवे स्टेशन भी है, और अपनी डबल डेकर एक्सप्रेस का यहाँ पर भी मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप है। एकदम पंचुअलिटी के साथ ट्रेन चल रही है, भले ही 2 मिनट डिले आई लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा रुकी ही नहीं, ज़रा सा बस वीडियो शूट कर पाए उतने में ही डिपार्ट हो गई अपनी ट्रेन। अभी इसी ट्रेन की साइड पेंट्री से हमने लिया है ब्रेकफास्ट, यहाँ पर है कटलेट के 3 पीस, ये है 45 रुपये का, टोमेटो केचप है इसके साथ में, और ये है अपना मसाला डोसा, ये है 50 रुपीज़ का, ये देखो इस पर चिट वगैरह लगी रहती है। साउथ इंडिया में ट्रैवल करोगे तो साउथ में तो भाई सब जगह इस तरीके से MRP डली होती है प्रोडक्ट्स के ऊपर ही, जो भी खाने पीने की चीज़ें उसी के ऊपर। तो ये है भाई अपना डोसा, इसको ओपन करते हैं, और साथ में जो है इसके ये दिया हुआ है सांभर, तो यहाँ पर डोसा के साथ में एक पन्नी में था सांभर, सांभर निकाल लिया है, बाकी एक पन्नी में यहाँ पर है अपना ये नारियल की चटनी, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी इस ट्रेन की साइड पेंट्री से ही। चलो भाई टेस्ट करते हैं सबसे पहले अपना कटलेट, और कटलेट जो है थोड़ा सा गर्म भी मिला है, सही है टेस्ट तो सही है, फ्रेश भी है। अब टेस्ट करते हैं डोसा, डोसा में वैसे स्टफिंग वगैरह सही है, आलू की अच्छी स्टफिंग है, डोसे का टेस्ट भी बढ़िया है, सांभर के संग भी बढ़िया लग रहा है।
बिना सांभर के देखते हैं। बढ़िया है भाई। इस ट्रेन में आपको साइड पेंट्री की फैसिलिटी मिलेगी, और वो भी प्रॉपर साइड पेंट्री। कैसी है भी हम आपको दिखा देंगे थोड़ी देर में। ऐसा नहीं मतलब चलते फिरते वाली साइड पेंट्री, नहीं, बिल्कुल प्रॉपर साइड पेंट्री है। चाय कॉफ़ी भी आपको मिल जाएगी, और ये भी। इसके अलावा वैसे सुबह में इडली वड़ा भी चल रहा था, इडली वड़ा भी मिल रहा था, बट अभी ख़त्म हो गया वो। हमने सोचा थोड़ा आराम से करेंगे, ब्रेकफास्ट दिखाएंगे आपको, ख़त्म ही हो गया, कोई नहीं। ये भी सही है वैसे, आप इधर इस ट्रेन में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो खाने भी नहीं दिक्कत नहीं है, सुबह ब्रेकफास्ट भी आपको मिल जाएगा इसमें, सही है। तो अभी अपना ब्रेकफास्ट हो गया है फिनिश, बाकी अभी हम आए गेट के पास, तो यहाँ देख रहे हैं साउथ इंडिया के शानदार शानदार नज़ारे, काफ़ी खूबसूरत रेल रूट्स आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे, और चार चांद जब लग जाते हैं तब इस तरह के नारियल के पेड़ आपको मिले, और उसके पीछे पूरा पहाड़ी इलाका। अभी आपको दिखाते हैं पूरा नज़ारा तरीके से, ये देखो आस पास पूरे पहाड़ी पहाड़ हैं। और यहाँ हम लोगों की ट्रेन की स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है ट्रैक पर, इस चक्कर में देखो सब मशीन्स वगैरह सब रखी हुई हैं इधर। तो व्यू तो देखो भाई साहब, व्यू देखो बस। इस व्यू की हम बात कर रहे थे, बहुत ही अल्टीमेट, मतलब सामने जो पहाड़ है ना, जितना देखने में यहाँ से नहीं लग रहा, मतलब वीडियो में इतना ही दिख रहा, लेकिन बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा। ये पेड़ देख रहे हो जरा जरा से लग रहे हैं, छोटे छोटे से इसके आगे। अभी हम लोग की ट्रेन डिपार्ट ले रही है अंबुर रेलवे स्टेशन से। यहाँ पर भी 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है अपनी डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन को। वैसे इस रेलवे स्टेशन का नाम हमने अभी ऑनलाइन पढ़ा, मतलब हिंदी में पढ़ोगे तो आप बोले अंबुर है, एकदम तरीके से पता लगेगा, लेकिन हमने ऑनलाइन पढ़ा तो अंबर, हमने अंबर और उसको पढ़ने याद भाई साहब, हमें बस वाला गाना याद आ गया, नीले नीले अंबर पे चांद जब आएगा भाई। अभी हमने बस वही गाना प्ले कर लिया, वही सुनते सुनते अब आगे की जर्नी कर रहे हैं भाई साहब, अलग ही वाइब आ रही है, अलग ही।
220 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जोलरपेटाई जंक्शन रेलवे स्टेशन। जोलरपेटाई की बात करें तो ये अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जाना जाता है। जोलरपेटाई जंक्शन की बात करें तो इसको ऑपरेट करता है साउदर्न रेलवे, आता है अंडर चेन्नई रेलवे डिवीजन। और अपनी डबल डेकर एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है भाई साहब। अभी तक क्या नज़ारे देखने को मिले हैं साउथ इंडिया के, मज़े आ गए। इस रूट पे आप आओगे तो भाई आपको मज़ेदार बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। वंदे भारत शताब्दी काफ़ी ट्रेन चलती हैं इस रूट पे, बैंगलोर और चेन्नई के बीच में तो बहुत सारी ट्रेन है और प्रीमियम ट्रेन आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे अभी एंटर हुई ना जब अपनी ट्रेन रेलवे स्टेशन पे, हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो ये खड़ी हुई है अपनी डबल डेकर एक्सप्रेस और सामने इस साइड में ना पूरा पहाड़ है। अभी यहाँ पर ये पेड़ है इस वजह से नहीं दिख रहा, लेकिन जब एंटर हुई ना ट्रेन तब हमने आपको दिखाया भाई साहब क्या जबरदस्त नज़ारा दिखता है जब आप इस रेलवे स्टेशन पे आते हो। पूरा पहाड़ों से तो घिरा हुआ एरिया है यहाँ भी और पीछे भी, अभी रूट में हमने आपको दिखाया। और ये देखो मस्त हवा चल रही है, यहाँ पेड़ है, ये नज़ारे बड़े जबरदस्त देखने को मिलते हैं जहाँ प्लेटफॉर्म पर ही ऐसे पेड़ पौधे लगे हों, अलग ही व्यू आता है। मात्र दो मिनट के स्टॉप हैं अपनी डबल डेकर ट्रेन के सभी जगह पर और इस नज़ारे की हम बात कर रहे थे। पूरा पहाड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जोलरपेटाई जंक्शन निकलने के बाद अब हम लोगों की ट्रेन का जो रूट है वो हो जाएगा थोड़ा सा अलग। यहाँ पर हम लोग लाइन चेंज कर रहे हैं, अभी हम लोग बढ़ रहे हैं बेंगलोर वाली लाइन पर जोलरपेटाई जंक्शन से, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है शोरनूर जंक्शन के लिए। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो ये सीधी जा रही है शोरनूर जंक्शन के लिए और हम लोग अभी डाइवर्ट हो गए हैं बेंगलोर वाली लाइन पर। जोलरपेटाई जंक्शन निकलने के बाद भाई साहब क्या शानदार कर्व था, मतलब पीछे पूरा पहाड़ और ट्रेन दिख रही थी कर्व पे, बहुत अल्टीमेट व्यू था। आपको ऐसा लगा कमेंट जरूर बताना, बोल रहे थे ना ये रूट अल्टीमेट है, बहुत ही खूबसूरत रूट है। और वो और कोई पहाड़ नहीं था, वही वाला था जो हमने स्टेशन पर दिखाया था ना, स्टेशन के पीछे था। ट्रेन पूरी ऐसी कर्व लेके आई तो पहाड़ पीछे आ गया, बहुत अल्टीमेट व्यू था। बाकी हम आपको एक चीज़ बता देते हैं इस डबल डेकर एक्सप्रेस में, अगर आप एसी चेयर कार में, इसमें आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इसमें ट्रैवल करोगे चेन्नई से बेंगलोर तो किराया कितना है पता है, मात्र 560 रुपये। 560 रुपये में आप चेन्नई से बेंगलोर ट्रैवल कर सकते हो इस डबल डेकर के एसी चेयर कार कोच में। और अगर इसमें एक और क्लास लगी हुई है वैसे सेकेंड सिटिंग की, तो उसमें अगर आप ट्रैवल करोगे, मतलब नॉन एसी सिटिंग वाला सीन है उसमें, मतलब नॉर्मल जो कोचेज होते हैं वो, तो 180 रुपीज़ है मात्र फेयर, 180 रुपीज़ में आप ट्रैवल कर लोगे। लेकिन भाई 560 में आपको एसी चेयर कार मिल रहा है इस ट्रेन में, और वो भी भाई डबल डेकर ट्रेन का, तो अल्टीमेट है। इसमें आप ट्रैवल करोगे अलग एक्सपीरियंस होगा, बढ़िया है। बाकी अभी हम आपको और भी चीज़ें दिखानी है इस ट्रेन के बारे में, दिखाएंगे आगे जर्नी में जो भी चीज़ें अभी तक एकदम इम्प्रेसिव रहा, चाहे भले ही रूट हो या ट्रेन हो, साफ़ सफाई हो, हर चीज़ बढ़िया है। और खाने पीने की सुविधा भी है, वो भी है। और हाँ, हम एक चीज़ तो दिखाना भूल गए आपको कि भाई इस ट्रेन में जो हमने बताया था ना प्रॉपर साइड पेंट्री है, वो कहाँ पर है, कैसी है, चलो भी दिखाते हैं। तो जो डबल डेकर के एसी कोचेस है ना, उन सभी में ऐसा मिनी पेंट्री दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर हॉट केस और डीप फ्रीज़र वगैरह लगे हुए हैं, तो यहीं पर खाना वगैरह गर्म कर रहे थे अभी स्टाफ सुबह से, अभी तो होंगे इधर उधर कहीं बांट रहे होंगे, उनकी देखो पन्नी वगैरह भी पड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर आपको साइड पेंट्री मिलेगी इस डबल डेकर एक्सप्रेस में, तो गर्म करके आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो सही है, बहुत सही चीज़ है। ऐसे शताब्दी और वंदे भारत ट्रेन में होता है बिल्कुल वैसा ही, ये फैसिलिटी यहाँ पर डबल डेकर ट्रेन में भी दी गई है, बढ़िया भाई सब बढ़िया। हम बोल रहे हैं ना अभी तक जो चीज़ें देखी हैं
सब चीजें बढ़िया लग रही हैं इस डबल डेकर ट्रेन के बारे में। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कर्नाटका के बंगरपेट रेलवे स्टेशन। वैसे यहां पर भी अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। इस ट्रेन का सभी जगह लगभग 2-2 मिनट का हॉल्ट है, 2 मिनट से ज़्यादा कहीं स्टॉप ही नहीं है। बाकी सुबह आया था पानी वाला भाई, उसके बाद पूरा अभी जर्नी हो रही है, अभी तक पानी वाला आया ही नहीं। एक आधी बार चक्कर लगाया होगा फिर आया ही नहीं। तो अभी फटाफट से उतरे हैं इस रेलवे स्टेशन से और ये एक पानी की बोतल ली है, 1947 एक्वा 1947, और ये रेलवे अप्रूव पानी है। 15 रुपये की बोतल है, आपको यहाँ पर मिल जाएगी, अगर आपको लेनी है तो ले सकते हो। अगर रेलनी वगैरह सुबह तो मिल रही थी ट्रेन में, उसके बाद पता नहीं वो वेंडर आया ही नहीं। जबकि चाय वाय तो ये तो बराबर चल रहा है ट्रेन में, चाय कॉफ़ी मिल रही है, ब्रेकफास्ट मिल रहा है, लेकिन पानी वाला नहीं आया भाई सब दोबारा। तो हम नहीं, चलो यहाँ से ले लेते हैं, बहुत देर से बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे पानी का, फाइनली बॉटल ले ली। चलो सिग्नल भी हो गया है। देखिए हमने ये बंगरपेट रेलवे स्टेशन पे, अपना कोच तो वैसे आगे ही साइड है, आगे से दूसरा कोच है, और इधर पे क्या हुआ है, ऐसे बोर्ड्स लगे हुए हैं कि डबल डेकर इंजन इधर स्टॉप होना है और DMU का लोकोमोटिव आगे साइड का मतलब कैबिन जो है वो वहाँ स्टॉप होना है। तो ये ऐसे ऐसे बोर्ड्स वहाँ पर कुछ कुछ दूरी पर लगे हुए थे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब क्या है कि ये जो डबल डेकर ट्रेन है ये इसकी लेंथ उतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये थोड़ा पहले रुकेगी तभी जाके जो है कोचेस सबरे बीच प्लेटफॉर्म पे आ पाएंगे। अब नहीं तो अगर ये आगे को लग जाता इंजन जैसे नॉर्मली सभी जगह होता है तो भाई अभी हमारा कोच इतना आगे होता हम पानी भी नहीं ले पाते। तो ये बहुत सही चीज़ है यहाँ पर देखने को मिली है, मे बी और भी स्टेशंस पे होगी। चलो आपको इस डबल डेकर एक्सप्रेस के वॉशरूम की कंडीशन दिखा देते हैं। वैसे हमारा जो कोच है ये C2, इसका एक साइड जो है ना इस साइड में पानी आ ही नहीं रहा है, उस साइड तो आ रहा है बट इस साइड में नहीं आ रहा है। देखो नल वगैरह चालू कर रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है। बाकी इसी वजह से स्टाफ ने यहाँ पर गेट भी बंद कर दिए हैं, ये सही किया स्टाफ ने, गेट बंद कर दिए, टेंशन ही ख़त्म, नहीं तो फिर वो गंदगी हो जाती है। चलो इस साइड आके हम आपको वॉशरूम की कंडीशन दिखा देते हैं। यहाँ देख लो बेसिन वगैरह बढ़िया साफ़ है, और वॉशरूम के अंदर लगाते हैं किट। ये समझ लो ये जो वॉशरूम है ना इतना ज्यादा साफ है, मतलब आजकल सिर्फ वंदे भारत में ही मुश्किल से देखने को मिलता है, शताब्दी राजधानी ऐसी ट्रेन में भी नहीं मिलता, इतना साफ वॉशरूम है और देखने को अलग ही मिल रहा है। देख लो मिरर वगैरह एकदम क्लियर साफ है, और यहाँ पर पूरे में विनाइल वगैरह लगाई हुई है, और नीचे भी हम आपको दिखा सकते हैं, यहाँ तो आसानी से कोई दिक्कत नहीं है। साफ सफाई बहुत बढ़िया मेंटेन है, यहाँ देख लो हैंड वॉश भी अवेलेबल है, जबरदस्त भाई। साउदर्न रेलवे की मतलब साफ सफाई के मामले में कोई कमी नहीं है। आप इस साइड ट्रैवल करोगे आपको यहाँ के स्लीपर क्लास भी बहुत साफ मिलेंगे। ये तो फिर भी AC चेयर कार का कोच है डबल डेकर का, अमेजिंग भाई, जबरदस्त साफ सफाई।
350 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 18 मिनट की देरी से भी हम लोग पहुंच चुके हैं कृष्णराजपुरम रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटका के बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 4 प्लेटफॉर्म है, 127 ट्रेन्स का ऑफिशियल हॉल्ट है, 2 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है, और अपनी डबल डेकर एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पे भी मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है। तो यहाँ पर देख लो अपनी जो डबल डेकर एक्सप्रेस है काफ़ी खाली हो गई है, बहुत सारे पैसेंजर्स ने यहाँ पर डिवोट किया है डबल डेकर को। कृष्णराजपुरम रेलवे स्टेशन से हम लोग हो रहे हैं डिपार्ट। बाकी यहाँ पर अभी वेदर काफ़ी ज़बरदस्त हो गया है, मतलब बेंगलोर में एंटर तो कर ही चुके हैं, बड़ी ज़बरदस्त वेदर हो रहा है इधर। एक चीज़ और हम आपको दिखा दें, यहाँ पर पैसेंजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है बट ये वर्क नहीं कर रहा है, जब से ट्रेन चली है तब से ही देख रहे हैं इस चीज़ को। कोच के दोनों एंड पर है बट वर्क नहीं कर रहा है। बाकी एक चीज़ का ध्यान देना, जब भी डबल डेकर में ट्रैवल कर रहे हो भाई, सिर बचा के चलना इधर। क्या है कि हेडरूम थोड़ा सा कम रहता है जब आप अपर डेक में जाते हो या फिर लोअर डेक में जाते हो, तब ये चीज़ है। चलो पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन, निकलते हैं बाहर। अपने निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन बैंगलोर कैंट रेलवे स्टेशन। वैसे अपनी ये जो डबल डेकर है ना, ये KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन तक जाती है, लेकिन हमको यहीं उतरना है, बैंगलोर कैंट पे ही हम जर्नी एंड कर रहे हैं। वैसे यहाँ से बैंगलोर कैंट से KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन डिस्टेंस की बात करें तो मात्र 4 किलोमीटर ही है। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस बढ़िया रहा इस डबल डेकर ट्रेन में। वैसे हम इसमें 2 बार और पहले भी प्लानिंग कर चुके हैं, टिकट भी कर चुके हैं, बट कुछ रीजंस की वजह से ट्रैवल नहीं कर पाए। फाइनली आज इस डबल डेकर एक्सप्रेस की भी जर्नी हो गई है। आपको कैसी लगी है ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है डबल डेकर ट्रेन के साथ वो भी। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। ये लो अपनी डबल डेकर एक्सप्रेस निकल चुकी है अब बेंगलोर कैंट रेलवे स्टेशन से KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन के लिए। और ये देखो अपने सेकंड सिटिंग के भी कोचेस लगे हुए हैं पीछे की साइड इस डबल डेकर में, जिसका हमने फेयर आपको बताया था 180 रुपीज़ है चेन्नई से बेंगलोर। नॉन एसी कोचेस भी आपको मिल जाएंगे इस डबल डेकर में।